किसान लीडर गुरनाम सिंह चढ़ूली का बड़ा बयान सामने आया, तहरीक वापस नहीं सस्पेंड करेंगे, जब तक सारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक तहरीक जारी रहेगी। आपको बता दें संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आज बड़ा ऐलान किया जाना था तहरीक को लेकर, और इस बीच गुरनाम सिंह चढ़ूली का ये बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि तहरीक वापस नहीं सस्पेंड करेंगे, जब तक सारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक तहरीक जारी रहेगी, तहरीक वापस नहीं ली जाएगी, सिर्फ सस्पेंड की जा रही। किसान लीडर गुरनाम सिंह चढ़ूली का बड़ा बयान आपको बता रहे, तहरीक वापस नहीं सस्पेंड करेंगे, जब तक सारी मांगे मानी नहीं जाती तब तक तहरीक जारी रहेगी, तहरीक खत्म नहीं करेंगे जब तक सरकार सारे मुतालबात मान नहीं लेती किसानों। भाई मेरे को नहीं पता क्या उम्मीद, अभी जाके पता चलेगा, मीटिंग कर तो ले, मेरे तो ही पता चलेगा। साहब कल की बैठक में पंजाब के 90% किसान संगठन तैयार थे सरकार के प्रस्ताव पर, लेकिन हरियाणा जो है वो अड़ा था, आप हरियाणा से आते हैं, क्यों आशंका है हरियाणा के संगठनों को? नहीं, थोड़ा देखिए हरियाणा में बहुत ज्यादा केस है, थोड़ा कन्फ्यूजन था कि शायद केस के ये किसी शर्त पे वापस ले रहे हैं, उस कन्फ्यूजन को दूर करना जरूरी है। क्या शर्त रखी गई है? जैसे प्रशासन ने इनकी तरफ से जो गया था लिखा हुआ ड्राफ्ट, उसमें ये था कि पहले आप धरना उठा लो और फिर हम केस वापस लेंगे। तो एक्चुअली हम धरने को सस्पेंड करना चाहते हैं भाई, MSP पे क्योंकि बात नहीं माननी की, और अगर MSP की जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट को नेगेटिव आ जाती है या MSP लागू नहीं करते तो हमें दोबारा से आंदोलन करना पड़ेगा, और जब दोबारा से आंदोलन करना पड़ेगा कहीं बाद में ये शर्त ना अड़ा दें कि आपने आंदोलन तो सस्पेंड किया वापिस तो लिया नहीं, इसलिए हम केस वापस नहीं करते। तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन था, उसको क्लियर करना जरूरी है। ये बताइए चौधरी साहब, सवाल यही है कि धरने जो चल रहे मोर्चे पे दिल्ली की सीमा पे वो कब खत्म होंगे? आज ये कुछ नहीं पता कब खत्म होंगे, जब सारी बात मानी जाएगी तब खत्म होंगे। लगभग बात मान ली नहीं गई सर? नहीं, मैं आप तो बता तो रहा जी, जैसे कन्फ्यूजन है कि उन्होंने कहा धरने उठा लो केस वापस ले लेंगे, अगर बाद में उन्होंने लटका दिए तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि हम आंदोलन को समाप्त नहीं कर रहे, सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि MSP पे फैसला होना बाकी है, हम तब तक स्थगित करेंगे जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती, और अगर सरकार ये कहे ना आपने तो सस्पेंड किया है वापिस तो लिया नहीं इसलिए हम केस वापिस नहीं लेते तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी। तो हम एक बार क्लियर लेने की कैसे शुरुआत होगी, क्या मतलब सरकार देखिए वो ऐलान करें हम कब प्रक्रिया शुरू कर देंगे, कब तक वापिस कर देंगे, सारे टाइम बाउंड हर तरह के केस हैं आप लोग मानते हैं, सभी तरह के केस, मर्डर रेप का नहीं भाई, ठीक है, मर्डर रेप का हम वापिस करने के बाद, हरियाणा के 3 केस हैं जो मर्डर के रेप के हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे, लाल किले वाले की बात कर रहे हैं, लाल किले वाले देखिए सारे केस है, एक 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 का तो मैं वेरवा नहीं दे सकता भैया, एक एक का मैं वेरवा नहीं दे सकता, हम सब केसों को वापिस करने की बात कर रहे हैं, जितने आंदोलन के केस हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे वो पूरे देश के हैं, चाहे वो सेंटर के हैं, चाहे वो NRI की पे कोई रेड आंदोलनकारियों के सहयोगियों पर बनाए गए हैं, चाहे वो कर्मचारियों पे बनाए गए हैं, चाहे वो पत्रकारों पे बनाए गए हैं, सभी टोटल के टोटल आंदोलनकारियों के केस वापस लेने की बात कर रहे थे। आज मंत्रियों से बैठक भी हो सकती है, मंत्री से मुलाकात देखिए मुख्यमंत्री जो है, हरियाणा का मुख्यमंत्री जो है वो कई दिन से टकरा रहा है, ये 4 दिन हो गए हैं, आज बताते हैं कल बताते हैं कल बताते हैं करके 4 दिन हो गए हैं, और हम आज हरियाणा के मुख्यमंत्री को अपनी तरफ से चेतावनी भी देना चाहते हैं कि या तो शराफत से वो बात मान ले जैसा पंजाब ने लागू किया हरियाणा भी कर दे, और वरना फिर हमें ये ना हो कि हमें वही पैटर्न जो पहले चल रहा था वो चालू करना पड़े। अब ये बात नहीं है कि 4 दिन से हम उनकी इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दे के लारा लगा के भेज दिया है और उसके बाद कोई ठोस बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। देखिए ये मेरे को नहीं पता भैया, मिलेंगे नहीं मिलेंगे मीटिंग में जाके पता लगेगा। थैंक यू। और इस पर तफसीली बातचीत करने के लिए हमारे नुमाइंदा शोएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, किसान लीडर गुरनाम सिंह चढ़ूनी को हम सुन रहे थे, बड़ा बयान उन्होंने दिया कि सस्पेंड कर दिए गए तहरीक को खत्म तभी करेंगे जब सरकार पूरी तरह से हमारी बात को मान लेगी। किस तरह का सस्पेंशन, किस तरह सस्पेंड किया जा रहा है आंदोलन को? देखिए अलग अलग नेताओं की अलग अलग जो बातें हैं वो इस वक्त सामने आ रही है। हालांकि चढ़ूनी ने कहा है कि वो इसको पूरी तरह से खत्म नहीं करेंगे बल्कि सस्पेंड करेंगे, लेकिन जब एक बार आंदोलन एक तरीके से चाहे वो सस्पेंड हो या खत्म हो जाए, जब तमाम जो किसान है वो घर लौट जाएंगे, दोबारा से उनको इकट्ठा करना, इस तरह से इतना बड़ा मोर्चा खड़ा करना,
ये बहुत मुश्किल बात होगी। जाहिर सी बात है कि सरकार भी इस तरह की कोशिशों को नाकाम करने की पूरी कोशिश करेगी। आज की जहां तक बात है, 2 बजे क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होनी है जिस पर पूरे मुल्क की निगाहें लगी हुई है, उसी में तय होगा कि ये जो आंदोलन है उसका रूप रहता क्या है, क्या ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी ये खबर भी है कि जो गृह मंत्री अमित शाह है और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, उनके जरिए भी किसान नेताओं से कुछ मुलाकात या बातचीत हो सकती है बैठक से पहले। तो आज बहुत हद तक ये मुमकिन माना जा रहा है कि कुछ बातों को लेकर सहमति बन सकती है। हालांकि जहां तक केस वापस करने की या MSP का जो सवाल है, इन दोनों मुद्दों पर सबसे ज्यादा जो फोकस है वो रखने की कोशिश की जा रही है। किसानों के जरिए कहा जा रहा है कि MSP को लेकर जब तक कोई गारंटी कानून नहीं बनता, पहले वो कह रहे थे तो आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब कमेटी पर भी एक तरीके से तैयार होते दिख रहे हैं। लेकिन केसों की जहां तक बात है, केस क्योंकि न सिर्फ हरियाणा में है बल्कि दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं, अब इनको किस तरह के केसों की जो गंभीरता है। एक केस है कि जो किसान है वो चले आ रहे थे, बैरिकेड तोड़े, इन तमाम धारा 144 का उल्लंघन किया, इन तमाम चीजों को लेकर। लेकिन कुछ गंभीर केस भी है, लाल किले वाले जो मामले हैं और भी कई ऐसे मामले हैं जिन पर सरकार क्या ये सहमत हो पाएगी कि इनको वापस ले लिया जाए या फिर कुछ और रास्ता निकाला जाएगा। तो ये तमाम चीजें अभी बातें तो कही जा रही है किसान तमाम लोगों की तरफ से कि ये खत्म हो जाएगा आंदोलन और कुछ मांगों को मान लिया जाएगा, लेकिन अभी भी कई ऐसे अनसुलझे सवाल है जिनके जवाब मिलने बाकी है और उन तमाम चीजों पर सहमति बनाना सरकार के लिए भी टेढ़ी खीर है। तो हमें इंतजार ये करना होगा अभी भी 2 बजे की बैठक का ही, और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो पत्रकारों को जानकारी दी जाएगी इसमें दरअसल क्या निकलकर सामने आता है और आज क्या वो आखिरी दिन होने वाला है जब किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा और किसान अपने घरों को लौट जाएंगे। सिंगू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर लगाए हुए जो टेंट है वो खत्म हो जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे, इन तमाम चीजों पर निगाहें लगी हुई। जी शोएब, जैसे कि आपने बताया कि जो तमाम किसान लीडर हैं सभी लोग अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। अगर हम राकेश टिकैत को सुने तो वो साफ कहते हैं जब तक मांगे मानी नहीं जाती हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ कुछ किसान लीडर को हमने सुना वो नर्म पड़ते भी दिखाई दे रहे हैं कि सरकार ने कह दिया आप आंदोलन खत्म कर दें, हम मुकदमे भी वापस ले लेंगे, इस तरह के भी बयान सामने आ रहे हैं। तो इख्तलाफात होता नजर आ रहा है क्या इस तहरीक के अंदर? देखिए अलग अलग चीजें इसमें है, क्योंकि राकेश टिकैत का बयान आपने सुना होगा, पहले ये आया था कि जो किसान वापस लौटेंगे उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो उसको लेकर उनकी तरफ से कहा गया था कि उनका कहने का मकसद यही था, क्योंकि मुकदमे हैं सबके खिलाफ और अलग अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, तो जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो हम पहले मुकदमे वापस हो। लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान संगठन है उनमें भी फिर अलग अलग जो बातें हैं वो सामने आ रही है कई चीजों को लेकर। कई जो किसान है वो MSP के बिना नहीं चाहते कि MSP गारंटी जब तक ना मिले तो वापस हो जाए। तो ये तमाम जो चीजें हैं अभी भी कहीं ना कहीं इस तरह के जो हालात है वो बने हुए हैं कि एक बात पर सहमति बनती नजर नहीं आ रही, और इन सब की वजह से कहीं ना कहीं जो आंदोलन है वो खत्म होगा, सस्पेंड होगा या फिर कोई बीच और रास्ता निकाला जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर भी सस्पेंस अभी बना हुआ है। हालांकि अब वही फिर भी आज की बैठक है, क्योंकि कल जब बैठक हुई थी उस दौरान भी ये बातें कही गई थी कि शायद कल आंदोलन खत्म हो जाए, कल रात फिर ये कहा गया कि नहीं 2 बजे SCM की बैठक होगी किसान मोर्चा की, उसमें फैसला लिया जाएगा। तो ये जो तमाम चीजें हैं अभी सरकार से भी मुलाकात, सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी मुलाकात कुछ किसान नेताओं की हो सकती है या उनसे बातचीत हो सकती है, ये तमाम जो खबरें हैं वो लगातार आ रही है। और 2 बजे के बाद जब ये पत्रकारों को जानकारी दी जाएगी मीडिया को, तभी ये क्लियर होगा कि किन किन मुद्दों के साथ अगर आंदोलन खत्म होता है तो क्या तो किन मुद्दों पर जी गौरव खास करेंगे किसान, किन मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब तमाम मालूम हम तक पहुँचाने के लिए। देश दुनिया के वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।